गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज फैजल खान एंड यू आर वाचिंग द ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय डेफोडिल्स पब्लिक सेकेंडरी स्कूल। आई होप यू ऑल आर वेल एट योर होम एंड डूइंग योर स्टडीज रेगुलरली। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर टेक्स्ट बुक गोल्डन डेज, द बुक दैट सेव्ड अर्थ। ओके, वो चैप्टर हमने रीड किया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से और आपको मज़ा भी आया होगा, यू एंजॉयड अ लॉट। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग द ग्रामर पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जो कि 15 मार्क्स का आपका आता है, यानी आपका जो टेंसेस का टॉपिक है वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और ये 4 मार्क्स कवर करता है आपके ग्रामर पार्ट में से, यानी 4 क्वेश्चंस आपके इसमें आने वाले हैं टेंसेस के टॉपिक से। ठीक है, तो टेंस में से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और वो किस तरह से आएंगे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। हमने टेंसेस का टॉपिक स्टार्टिंग में भी कवर किया था, यानी थोड़ा सा स्टार्ट किया था, लेकिन उसको हमने ओवरव्यू देख के आपको टेंसेस का एक आइडिया दे के, और मैंने उसको लेफ्ट कर दिया था, यानी आपको फिनिश कर दिया था उस टॉपिक को, कि टेंसेस होते क्या है और किस तरह से उनकी स्ट्रक्चर होती है वो मैंने आपको बताया था। ओके, आपको मैंने वर्ब्स भी दिए थे मैंने लर्न करने के लिए, तो वो भी आई होप आपने लर्न कर लिए होंगे। और एक टेबल बताई थी आपको सारे टेंसेस की, यानी ऑल 12 टेंसेस जो आते हैं आपके, उन सबकी एक टेबल बना के मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको वर्ब्स को फिल करना होता है और किस टेंस में कौन सी वर्ब आती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। राइट, ये दो ही चीज़ें तो होती है टेंसेस के अंदर, यानी हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, यानी दो वर्ब्स जो होती हैं वही होती हैं आपकी जो टेंसेस में फिल करना होता है, जो क्वेश्चन के अंदर आती हैं। तो अभी आपको सबसे पहले तो आप, मैं यहाँ से हट जाता हूँ और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, और पॉज करके उसके बाद में मैं आपको ये बताता हूँ कि आपका क्वेश्चन कैसे आने वाला है। तो आपको देखो, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन ही लिखा है आपके बोर्ड पे। तो आपका क्वेश्चन आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी ब्लैंक को फिल करो वर्ब की एप्रोप्रिएट फॉर्म के अकॉर्डिंग, यानी इसमें वर्ब की अप्रोप्रिएट फॉर्म भरनी है, यानी करेक्ट फॉर्म भरनी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एंड विद द हेल्पिंग वर्ब क्या आने वाली है उसके अंदर। तो दोनों वर्ब्स आपको यहाँ पर फिल करनी है, अगर दो आती हैं तो दोनों भरनी है, और अगर एक आती है तो एक भरनी है। तो जो भी यहाँ पर एडजस्ट होती है वो वर्ब की फॉर्म भरनी है। कौन सी वर्ब की फॉर्म भरनी है? विच इज गिवन इन द ब्रैकेट, यानी जो कि यहाँ पर ब्रैकेट में आपको दी हुई मिलेगी, जैसे रतन यूजुअली, अब तो यहाँ पर आपको गेट, ये इस तरह से गेट आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पे। ओके, तो जो गिवन है ब्रैकेट में जो वर्ब, उसी को आपको यहाँ पर फिल करनी है। अगर उसमें कोई चेंज नहीं होता है तो आपको सेम टू सेम गेट लिख देना है, और अगर उसमें चेंज होता है तो आपको चेंज करके वहाँ पर वर्ब को फिल करनी है। बस इतना सा ये क्वेश्चन होता है, और इस टाइप के आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं टेंसेस के टॉपिक में। तो 4 क्वेश्चन में आपको यही पूछा जाएगा कि आपको वर्ब की फॉर्म भरनी है, और यहाँ पर कौन सी फॉर्म आएगी इस वर्ब की, बस इतना करना है। अब ये आप कैसे पहचानोगे, सबसे पहले तो आप कौन सी फॉर्म आएगी ये आप किस तरह से पहचानोगे, यानी ये टेंस पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, यानी इसमें कहना क्या चाहता है, ये लाइन में है क्या। तो इसको हम अगर रीड करते हैं तो इसका पता लगाने के हमारे पास में दो तरीके हैं। एक तरीका तो मैंने आपको ये लिख रखा है यूजेस, राइट, यानी फर्स्ट जो टॉपिक आपका जहाँ पे मैंने शो कर रखा है आपको यूजेस, एक तो तरीका ये है टेंस को पहचानने का, और दूसरा होता है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी साइन ऑफ आइडेंटिफिकेशन के कुछ मार्क्स आपको दिए होंगे सेंटेंस के अंदर, तो उन मार्क्स से आपको पहचाना जाएगा कि ये सेंटेंस इस टेंस का है। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट का टॉपिक लिया है सबसे पहले, यानी सबसे पहला जो टेंस आता है आपका 12 टेंसेज में से वो कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, या तो सिंपल प्रेजेंट भी इसी को बोलते हैं हम, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी इसी को बोलते हैं। तो सबसे पहले टेंस के लिए हमारे पास में यूजेस क्या है और इसके मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये दोनों चीज़ों से हमको पता चल जाएगा। इनमें से एक भी चीज़ अगर हमको सेंटेंस के अंदर दिख गई तो हम उसको क्या समझ लेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। फिर उसके बाद में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो भी स्ट्रक्चर होने वाली है, यहाँ पर मैंने आपके स्पेस नहीं था बोर्ड पे इसलिए मैंने स्ट्रक्चर्स को लिखा नहीं है, मैं आपको वो बाद में कवर कर दूंगा इसको रेज करके। तो स्ट्रक्चर क्या होने वाली है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, वो हमको फिर बाद में फिल करना होगा। ओके, तो सबसे पहले हम यूजेस को देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूज कब करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपका ये जो सेंटेंस दिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही निकलेगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही यूजेस से कंप्लीट होने वाला है। तो सबसे पहले हम यूजेस देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो इसमें यूजेस में है, सबसे पहला यूज मैंने लिखा है थिंग्स दैट आर ऑलवेज ट्रू, यानी ऐसी चीजें या ऐसे सेंटेंस या ऐसी बातें जो ऐसे कथन या स्टेटमेंट जो हमेशा ही ट्रू होते हैं, हमेशा सत्य रहते हैं वो, यानी उनको कोई भी नकार नहीं सकता। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूरज जो है कहाँ से उगता है, पूरब से उगता है। इसको कोई मना कर सकता है क्या कि नहीं, हमारे वहाँ जयपुर में तो सूरज जो है इधर से उगता है, नॉर्थ से,
ऐसा कोई नहीं कह सकता ना कि हमारे वहाँ सऊदी अरब में या फिर हमारे अमेरिका में तो ये वहाँ पर उगता है, पश्चिम से निकलता है। तो हमेशा हर जगह पे सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से ही निकलता है, ये हमेशा सत्य बात है, ऑलवेज ट्रू है। ठीक है, तो ऐसी बातें जो ऑलवेज ट्रू होती हैं, जिनको कोई मना ही नहीं कर सकता, कोई झुठला नहीं सकता, उन बातों के लिए हमेशा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही फॉर्म यूज़ करेंगे वहाँ पे। दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया है, दूसरा यूज है इसका, सिचुएशंस दैट एग्जिस्ट नाउ एंड विल गो ऑन फॉर जनरल टाइम, यानी ऐसी सिचुएशंस जो हमेशा अभी एग्जिस्ट हैं, यानी अभी भी हो रही हैं और वो हमेशा होती रहेंगी, यानी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी होती हैं और वो हमेशा होती रहेंगी। तो सेम हम इसी को यहाँ पर ले सकते हैं, इसके एग्जाम्पल को भी, और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके और भी हैं कि जैसे सूरज आज भी पूरब से ही उगता है और हमेशा भी पूरब से ही उगता रहेगा, आज भी पश्चिम में जाके छुपता है और हमेशा पश्चिम में जाके छुपता रहेगा। तो ऐसी बातों को हम अगर यूज़ करते हैं तो उनके लिए हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करना है। यानी कुल मिला के बात यह है कि आपको जब हमेशा सच रहने वाली बातों के लिए यूज़ करना है तो वो दोनों केस में क्या करना होगा आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करना है। थर्ड यूज़ जो होगा इसका, हैबिट्स और थिंग्स दैट हैपन्स रेगुलरली, यानी ऐसी हैबिट्स या ऐसी चीज़ें या ऐसे सेंटेंस जो हमेशा आपके रेगुलरली या कुछ किसी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में हो जाता है, यानी जैसे आप ब्रश करते हो, वो आपका डेली 24 आवर्स में या फिर 12 आवर्स में, यानी या तो दिन में दो बार या दिन में एक बार, हर कोई ब्रश करता ही करता है, राइट? या फिर कोई दो बार एक बार भी नहीं करता तो दो दिन में एक बार तो करता ही है, या दो दिन में एक बार भी नहीं करता तो एक वीक में एक बार तो करता ही होगा, कोई बिल्कुल ही बेकार भी होगा ना वो भी एक वीक में एक बार तो ब्रश करेगा ही। तो ये चीज़ें ऐसी हैं, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद में इंसान करता है, राइट? हम खाना खाते हैं दोनों टाइम, ठीक है, तो एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद हम रोज़ खाना खाते ही हैं, यानी ऐसा नहीं है कि आज तीन दिन में खाना खाया, कल अगली बार हम जो है नेक्स्ट मंथ खाएंगे, और वो भी खा लिया तो खा लिया, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वो रोज़ होता ही होता है। तो ऐसी हैबिट्स जो रेगुलरली बेसिस पर होती ही हैं उनमें हमेशा हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज़ करना है। देन फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ जो यूज़ है आपका, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ होता है शाश्वत सत्य, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, यानी ऐसा ट्रुथ जो पूरे यूनिवर्स में है, यानी पूरी यूनिवर्स के लिए ट्रुथ ही है वो, जिसको कोई भी मना नहीं कर सकता। ये इससे थोड़ा थोड़ा सिमिलर है, जो हमेशा ट्रू हैं जो चीज़ें वही यूनिवर्सल ट्रुथ भी होते हैं, जैसे सन का ईस्ट में से उगना, या फिर चंद्रमा का, पृथ्वी का चंद्रमा एक ही है, राइट? तो पृथ्वी का चंद्रमा एक है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। सन भी जो है हमें एनर्जी सन से मिलती है, ये भी एक हो गया। या फिर बहुत सारी चीज़ें, यानी सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, द अर्थ राउंड द सन, ठीक है, अर्थ गोज राउंड द सन, इस तरीके से अगर हम बोलेंगे सेंटेंस को, तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इस तरह के कुछ ऐसे सत्य होते हैं जो यूनिवर्सल हैं, यानी जो पूरी दुनिया में या पूरे यूनिवर्स में जो है वो ट्रुथ है, तो उनके लिए भी हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करना है। तो चार तो ये यूज़ हो गए इसके, और उसके बाद में मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है कि इनमें से अगर कोई भी वर्ड आपको सेंटेंस के अंदर दिखे तो आपके अंदर, आपके दिमाग में एक बत्ती जल जानी चाहिए कि ये शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑलवेज आ रहा है, क्योंकि इसमें ऑलवेज आ रहा है। अगर इस सेंटेंस में कहीं भी सेंटेंस में आपको ऑलवेज दिख गया तो आपके अंदर पहली हिंट, पहला क्लू मिल जाना चाहिए कि ये शायद, और शायद 90% चांसेस हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है, क्योंकि ऑलवेज 90% केस में या 99% केस में इंडेफिनिट में ही आता है। जहां ऑलवेज लग जाता है वो सेंटेंस हमेशा किसका होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है। कोई अपवाद होगा, बहुत रेयर केस होगा जहाँ पर ऑलवेज भी होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट केस नहीं होगा। तो ये आपको, तो रेयर केस का हमें क्वेश्चन आता भी नहीं है, क्वेश्चन आता है अक्सर का, यानी ज़्यादातर क्या होता है उसी के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं टेंथ क्लास में। तो जो एवरेज पेपर होता है उसमें हमेशा इस तरह के अगर वर्ड आपको दिख गए तो उनमें डायरेक्ट भी आपको, अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप बिना कुछ सोचे भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल कर सकते हो, और अगर आपके पास सोचने का टाइम है तो फिर आप फिर इन चीज़ों को देख लो कि ये इनमें से कोई एक रूल लागू हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इनमें से कोई भी वर्ड, ये सारे के सारे वर्ड आप राइट कर लीजिएगा, इनमें से कोई भी वर्ड अगर आपको सेंटेंस के अंदर दिख जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। तो इसी तरह के यूजेज और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये हर टेंस में मैं आपको बताऊंगा, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में भी आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी आएंगे, यानी पूरे के पूरे जो टेंसेज हैं लास्ट तक, फ्यूचर तक, तो उन सब टेंसेज में क्या आने वाले हैं, आपके यूजेज के बेसिस पे और मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे हमको टेंस फिल करना होगा इसमें कौन सा टेंस है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। अब देखो हम इसी बेसिस पर, यानी कुछ वर्ड हैं ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली, जनरली, जनरली के बाद में है फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली के बाद में है सेल्डम, ठीक है, रेयरली, नेवर, रेगुलरली, डेली, ओकेजनली, उसके बाद में आपका आ रहा है एवरी प्लस कोई भी टाइम हो, यानी एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी ईयर, एवरी मंथ, ईटीसी, ठीक है, इनमें से कोई भी चीज़ आ जाए तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करना है। उसके बाद में ईच प्लस टाइम, यानी ईच के साथ में कोई भी टाइम आए, ईच
ईच डे ईच डाइट, ठीक है। तो इस तरीके से ईच प्लस टाइम में भी वही आने वाला है ऑन संडेज। अब यहाँ पे देखो एक चीज आपको जो है ध्यान रखनी है, एस आना चाहिए यहाँ पे, ऑन संडे नहीं होना चाहिए। ऑन संडे हो गया तो फिर टेंस बदल जाएगा। संडेज अगर लिख रहा है ऑन संडेज, ऑन मंडेज, ऑन ट्यूजडेज, तो इसमें क्या होता है कि रविवार के दिनों में, यानी रविवार के दिनों को वो ये काम करता है। अब रविवार के दिन जो है ना वो गलत हो जाएगा, यानी एक ही अगर रविवार का नाम लिया गया है तो फिर वो गलत हो जाएगा। वहां पर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिटिव नहीं करना, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एस लगा हुआ होना चाहिए। यानी संडेज अगर लिख रहा है और ऑन लगा हुआ है तो फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस होगा। ऐसे ही मंडेज, ट्यूजडेज, कोई भी डे का नाम आ सकता है। ऐसे ही इन द मॉर्निंग्स, यहाँ पर भी एस लगा हुआ होना जरूरी है। यानी इन द मॉर्निंग अगर आएगा तब तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं करना, लेकिन अगर इन द मॉर्निंग्स आ गया, इवनिंग्स आ गया, तो फिर आपको वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट करना है। जैसे वो शाम को ये काम करता है, ठीक है, तो वहां पर इन द मॉर्निंग इवनिंग्स आएगा, ठीक है। उसके बाद में वंस या ट्वाइस, यानी एक बार या दो बार, इन अ वीक, इन अ मंथ, इन अ ईयर, यानी मंथ में एक बार, वीक में एक बार, ईयर में एक बार, इस तरीके से अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है सेंटेंस में तो वहां भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करना है। अब इसको देखो, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। रतन यूजुअली, यहाँ पर देखो पहली बार तो आपको वर्ड मिल गया, क्या मिल गया, वर्ड मिल गया ना। इनमें से यूजुअली मैंने दिखाया था आपको कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा यूजुअली, यानी ये वर्ड मिल गया तो आप समझ जाओगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अब आपको क्या करना है, गेट की प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली फॉर्म भरनी है, ठीक है। दूसरा, अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी आपको इस सेंटेंस से भी पता चल रहा है कि ये गेट अप मतलब जागना, तो यानी रतन जाग रहा है 4 बजे और सुबह, तो रतन सुबह 4 बजे जाग रहा है, तो एक तरीके से इसमें ये हैबिट, हैबिचुअल एक्शन अपन को नजर आ रहा है, हैबिट जैसी लग रही है कि रतन शायद रोज 4 बजे जागता होगा, तो ऑलवेज भी यूजुअल भी आ रहा है, तो ज्यादातर यानी जो है रतन जो है ये 4 बजे जागता है, तो अब इससे भी पता चलता है कि हैबिचुअल वर्क है। तो इन दोनों चीजों के होने की वजह से हम इसमें क्या फिल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट फिल करेंगे तो यहाँ पर गेट की कौन सी फॉर्म आती है वो आपको मैं स्ट्रक्चर वाले पार्ट में बताऊंगा, और मैंने आपको पहले भी जो टेबल बताई थी उसमें बताया भी था, तो आपको शायद याद भी होगा पिछले जो लेक्चर में मैंने बताया था आपको पूरी टेबल बना के, कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या आती है, डू या डज, तो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, जो कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में काम आती है। तो यहाँ पर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है नहीं, यहाँ पे कहीं भी नोट नहीं दिख रहा आपको, नोट भी नहीं दिख रहा, और यहाँ पर कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं दिख रहा, तो आपका डू और डज तो क्या हो गया, कैंसिल। डू और डज दोनों क्या हो गए, कैंसिल, यानी ये तो लगेगा ही नहीं। अब क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी लगाया जाता है, अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर एस या ई एस लगाया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और अगर सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर इसमें एस या ई एस नहीं लगाया जाएगा। तो हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, रतन। अब रतन कितने होते हैं, रतन बहुत सारे तो होते नहीं है, एक ही होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम यहाँ पर गेट में एस या ई एस लगा के इसको प्लूरल बनाएंगे, तो गेट में क्या लगाएंगे, एस, गेट्स। तो रतन यूजुअली गेट्स अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, ये आपका आंसर हो गया, यानी आपको सिर्फ गेट फिल करना था। अब इनको इसका कैसे पता लगाया, आपने कैसे फिल किया, इसमें क्या क्या चीजें काम आई, पहली चीज यूजेस को, सबसे पहले तो आपने मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन देखा, यूजुअली आपको दिख गया, तो आपको समझ में आ गया कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट बनना है। और अगर फिर भी आप श्योर नहीं हो और आपको टाइम है आपके पास में, यानी आप कंफ्यूज हो कि शायद यूजुअली दूसरे टेंस में था या प्रेजेंट इंडेफिनिट में था, आपको कंफ्यूजन हो गया, तो आप इसको थोड़ा सा इसका ट्रांसलेशन करके देख लो कि रतन यूजुअली मीन्स ज्यादातर और गेट्स मीन्स गेट्स मतलब जागता है एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, तो सेंटेंस बिल्कुल सही से बैठ रहा है, तो फिर इसमें आपका श्योर होगा आप बिल्कुल कि यहाँ पर गेट्स अप आएगा, ठीक है। तो इतना, फिर इसके बाद में आपने स्ट्रक्चर देखी, तीसरी काम क्या किया आपने, स्ट्रक्चर को देखा, जो कि मैंने लास्ट में भी आपको बताया था और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि ये वाला सेंटेंस जो है थोड़ा सा स्टार्टिंग होता है तो आपको हैबिट में भी नहीं है समझना, तो इसलिए इसका थोड़ा सा वीडियो लंबा होता है, इसलिए मैंने इसमें नहीं बताया आपको, नेक्स्ट में आपकी स्ट्रक्चर भी आ जाएगी और टेंस भी कंप्लीट हो जाएगा, ओके। सो उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूंगा। तो ये क्या था आपका, गेट में गेट्स फिल करना है, बस इतना ही आपको ये करना है और हर टेंस में ऐसे ही करना है, तो नेक्स्ट जो होंगे आपके थोड़ा ईजी भी लगेंगे, और आज का थोड़ा सा आपको ऐसा लगा होगा कि ज़्यादा बड़ा पार्ट है, तो और चीज़ों में और नेक्स्ट जो सेंटेंस आएंगे उनमें आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, और आपकी बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चंस को खुद से करने की कोशिश करें, उसमें ये सारे वर्ड ढूंढने की कोशिश करें कि ये वर्ड दे रखें या नहीं दे रखे, जिसमें भी ये वर्ड दे रखें उसमें डायरेक्ट ही आप ये फॉर्म फिल कर दो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली, और अगर क्वेश्चन यानी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब, तो उसमें डू और डज में से कुछ फिल करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये देखना है,
इसको और डिटेल में हम जब रिवाइज करेंगे टेंसेज में, और कुछ नहीं है, ज़्यादातर प्रैक्टिस का काम होता है। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका ये बिल्कुल परफेक्ट होता चला जाएगा, और इसमें फोन मार्क्स आपके कहीं भी नहीं जाने वाले। ओके, सो प्रैक्टिस करें, पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।